ओके सो हियर आवर टॉप, यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो है पैसिव वॉइस। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मीन्स टेंसेस। सो एक्टिव वॉइस के केस में या टेंसेस के केस में जो फॉर्मूला है उसमें सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता था, डैश 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 प्लस ऑब्जेक्ट बाद में होता था। इन केस ऑफ पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट आपका सबसे पहले लिखा जाएगा सेंटेंस में और सब्जेक्ट बाद में आएगा। ये मेन डिफरेंस है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में हमने 12 टाइप के टेंसेस देखे थे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और फिर इनमें चार चार, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के फोर, पास्ट के फोर, फ्यूचर के फोर, इस तरह से 12 है। पैसिव वॉइस में टोटल नंबर ऑफ जो सेंटेंसेस के टाइप रहेंगे वो 8 रहेंगे, क्योंकि यहाँ जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस प्लस फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये जो चार टाइप से सेंटेंसेस हैं ये एक्टिव पैसिव वॉइस में नहीं लिखे जाते हैं। तो इसके अलावा जो 8 टाइप हैं वो हम पैसिव वॉइस में यूज कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर कंटिन्यूअस में नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनता है। तो ये 8 तरह के सेंटेंसेस हम देखेंगे पैसिव वॉइस में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट से। प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट सिंपल, तो एक्टिव वॉइस में फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS अगर ही सी है तो प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्मूला था ये एक्टिव वॉइस के लिए था या टेंसेस के लिए था। पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट फर्स्ट लिखना है, देन ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर में से कोई एक प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो ये रहेगा पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए फॉर्मूला स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। हुआ क्या इसमें, ये जो ऑब्जेक्ट लास्ट में था इसको मैं लाया हूँ फर्स्ट में, ये जो सब्जेक्ट फर्स्ट था इसको लाए हैं लास्ट में। यहाँ एम इज आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि ही राइट्स अ बुक, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनेट, लेकिन इट इज अ केस ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब
जो हमने टेंसेस में पढ़ा था। तो एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में होता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, जो जिसको हम कहते हैं कर्म, वो स्टार्टिंग में होता है। सब्जेक्ट को कर्ता कहा जाता है हिंदी में, ऑब्जेक्ट को कर्म कहा जाता है। अब इस सेंटेंस को मुझे अगर पैसिव वॉइस में लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा, यहाँ ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस या एस लगा हुआ है, इसी था इसलिए, और बुक मेरा ऑब्जेक्ट है। तो जब मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो मैं पहले, हम क्या करेंगे, हम पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट इज अ बुक। अब एम इज आर में से आपको एक सिलेक्ट करना है, तो बुक जो है एट की कैटेगरी में, तो अ बुक इज, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब आपका राइट है तो थर्ड फॉर्म इज रिटन, अब रिटन। और फिर यहाँ एक बात बताना भूल गया, थर्ड फॉर्म के बाद आपको लगाना है बाय प्लस सब्जेक्ट, तो यहाँ रिटन बाय, अब सब्जेक्ट जो है वो यहाँ शुरू में होता तो आय था, अगर इसको मैं स्टार्टिंग में लिखता हूँ तो आय, और अगर बाद में लिखूंगा वर्ब के तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा मी। ओके, मतलब आई जो है वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा, वी जो है वो अस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू यू जो है वो यू ही रहता है, ही अगर सब्जेक्ट है तो बाद में अगर उसको लगाना है तो वो हिम हो जाएगा, सी जो है वो हर में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से। तो ये जो स्टार्टिंग में है इसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस, और इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है, बट ये जो है मैंने एक्टिव वॉइस में कहा, ये पैसिव वॉइस में कहा। अब मैं इसको हिंदी में बताना चाहता हूँ कि हिंदी में इसको कैसे रहेगा। तो यहाँ मैं कहूँगा वह किताब लिखता है, इसका मीनिंग ये हो गया, और इसका मीनिंग है किताब मेरे द्वारा लिखी जाती है। यस सर, तो यहाँ किताब कम ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और यहाँ पर्सन का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो करता है उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कि कौन किताब लिखता है तो वह किताब लिखता है। तो जब आपका कर्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर्ता का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को लिखते हैं, और जहाँ ऑब्जेक्ट का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो मैं पैसिव वॉइस पर जाता हूँ। जैसे मैं कहूँ दिवाली मनाई जाती है, तो दिवाली इज सेलिब्रेटेड, तो यहाँ दीपावली का है को इम्पोर्टेंस है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ आई सेलिब्रेट दिवाली, आई सेलिब्रेट दिवाली, तो ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट को फर्स्ट लिखा है, एक्टिव वॉइस और प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब इसको पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनेट करना है, तो डेफिनेटली ये दिवाली जो है इसको मैं आगे लिख दूंगा दिवाली, और एम इज आर में से इज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो सेलिब्रेटेड, दिवाली सेलिब्रेटेड बाय मी, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर बाय मी नहीं लिखें दिवाली मनाई जाती है, बाय मी लिखा है तो दिवाली मेरे द्वारा मनाई जाती है, इस तरह से हो जाता है। ओके, नाउ सेकंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसमें ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म
प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये आपका पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। किसमें? पैसिव वॉइस में, ये रहेगा पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में क्या था? तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो था ये आपका एक्टिव वॉइस के लिए था, और ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस के लिए है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आई एम प्लेइंग हॉकी। अब ये यहाँ सब्जेक्ट पहले है, तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस में किस टाइप का है? तो एम इज आर है, प्लस वर्ब में आईएनजी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टाइप का हो गया। अब इसी को मुझे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है कि अगर ये पैसिव वॉइस में कहूँगा तो मैं इसको किस तरह से कहूँगा। तो पैसिव वॉइस में ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये हॉकी मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो मैं हॉकी को पहले लिखूंगा उस केस में कि हॉकी। अब एम इज आर में से हॉकी में क्या आएगा? तो इज आएगा, एम इज आर का जो ग्रुप है इसमें से हॉकी में इज आएगा। तो मैं अब यहाँ यहाँ देखूंगा ऑब्जेक्ट लिखा प्लस एम इज आर में से इज लिखा प्लस में बीइंग लिखूंगा, तो हॉकी इज बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म इज जो प्ले है, तो ये प्लेड हो जाएगा। फिर बाय, और फिर मी, आई का मी हो जाता है इस तरह से। तो ये आपको दोनों तरह से फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी फॉर्मूला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, बट इन केस ऑफ पैसिव वॉइस, और ये जो है इन केस ऑफ एक्टिव वॉइस है। और यहाँ मैंने इस एक्टिव वॉइस को बनाया, फिर इसको पैसिव वॉइस के टर्म्स में लिखा। दोनों का मतलब सेम है, बस यहाँ मैंने इस सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया और इस केस में मैं ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा। ओके, फिर हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट के लिए एक्टिव वॉइस में क्या? तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस की जब भी बात कहेंगे तो आपको सब्जेक्ट पहले बताना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में या तो हैज या हैव आपको लगाना था सब्जेक्ट के बाद में, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यही था ना, प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो चीज़ है ये एक्टिव वॉइस के लिए है। अब पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में? पैसिव वॉइस में डेफिनेटली कि आपका ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट पहले लिख लिया। अब ये जो हैज या हैव है तो इसको हैज या हैव जो है वही लिखो, प्लस आपको बीन लिखना है, प्लस आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है, प्लस बाय करके सब्जेक्ट लिखना है। तो ये आपका हो गया पेशी वॉइस के केस में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ही हैज प्लग्ड फ्लावर। प्लग्ड मतलब तोड़ना, उसने फ्लावर तोड़े। तो ही हैज प्लग्ड फ्लावर, सब्जेक्ट हैव हैज में से कोई एक, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया।
एक्टिव वॉइस हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ओके अब मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में ही, प्रेजेंट परफेक्ट ही बनाना है, लेकिन इसको पेसिव वॉइस बनाना है। तो पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ बेटा? तो ये फ्लावर जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो इस फ्लावर को मैं पहले आगे आगे लिखूंगा, शुरुआत में लिखूंगा। तो फ्लावर, अब फ्लावर अगर फ्लावर्स होता तो प्लूरल हो जाता, तो मैं हैव लिखता। फ्लावर है, एक ही तोड़ा है, एक ही फ्लावर तोड़ा है, तो हेज लिखा, फ्लावर हेज। इस स्ट्रक्चर को देखो, इस फॉर्मूले को देखो, फ्लावर सॉरी इसको देखो, फ्लावर हैज बीन, हैज बीन प्लग्ड बाय, अब ही का हिम करना है, बताया था अभी आपको। ही अगर नॉमिनेटिव केस में ही है तो इधर ऑब्जेक्टिव में वो हिम हो जाएगा, यहाँ शी होता तो यहाँ हर हो जाता। ओके तो इस तरह से ये हो गया। फिर नेक्स्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें इसको केवल हम एक्टिव वॉइस में ही सेंटेंस बनाते हैं, पेसिव वॉइस में नहीं होता। तो जो भी आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले केसेस हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये तीनों केवल एक्टिव वॉइस में बनाए जाते हैं, पेसिव वॉइस में नहीं होता इसका कोई रोल। तो तीन तो ये कट हो गया, प्लस एक फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है वो भी हम केवल एक्टिव वॉइस में बनाते हैं, पेसिव वॉइस में नहीं बनाते। तो प्रेजेंट में तीन केस हमने स्टडी कर लिए। अब पास्ट पे आते हैं, तो पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट। एक्टिव वॉइस के केस में क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म था, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है ये एक्टिव वॉइस जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर दिया। अब पेसिव वॉइस में आपको इस ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, सब्जेक्ट को बाद में ले जाना है। पेसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस बाय प्लस ऑब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखना, पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज हो रहा है। एक सेंटेंस लेते हैं पास्ट सिंपल का, ही स्वैम, 1 मिनट इसको कैंसिल कर दें। ही लर्न्ड स्विमिंग, ये तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, और ये स्विमिंग जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो स्विमिंग वॉज थर्ड फॉर्म भी सेम है, बाय हिम इस तरह से बन जाएगा। ओके ये मैंने इसको आगे लाया स्विमिंग को, और ये जो ही था इसका हिम हो गया, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये ऑब्जेक्ट के आदमी वॉज या वेयर को ये पुट करना, तो स्विमिंग वॉज इसका थर्ड फॉर्म बाय हिम। एक और एग्जांपल लेते हैं, दे सेलिब्रेटेड होली इस तरह से है। तो ये एक्टिव वॉइस में हो गया, पेसिव वॉइस में क्या होगा? पेसिव वॉइस में होगा
होली वॉज सेलिब्रेटेड बाय, अब ये दे का देम हो जाता बेटा, नॉमिनेटिव केस में दे है तो ऑब्जेक्टिव केस में देम हो जाएगा, तो होली वॉज सेलिब्रेटेड बाय देम। तो इस तरह से हम पास्ट सिंपल का एक्टिव पैसिव बना सकते हैं। फिर पास्ट कंटिन्यूस, अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस अगर मैं एक्टिव वॉइस में कहूँ तो सब्जेक्ट प्लस वॉज और वेयर प्लस फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, उसमें आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में आईएनजी। ओके, आईएनजी अलग से नहीं लिखना है, उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी इंक्लूड करना है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो एक्टिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर हो गया या फॉर्मूला हो गया सेंटेंस का। अब मुझे इसको पैसिव वॉइस में करना है तो डेफिनेटली ये जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर में से कोई एक लेना है, वॉज वेयर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय लिख करके सब्जेक्ट लिख सकते हो, पर सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना है, मतलब अगर यहाँ आ है तो यहाँ मी लिखना है इस तरह से। तो ये केसेस हो गए, एक एग्जांपल लेते हैं। तो ही इज कुकिंग फूड, ये सॉरी पास्ट टेंस है तो ही वॉज लिख सकते हैं, ही वॉज कुकिंग फूड, वह खाना बना रहा था, हिंदी में इस तरह से होगा। तो ये जो ही है ये सब्जेक्ट हो गया, ये फूड है ये ऑब्जेक्ट हो गया, कुक जो है ये वर्ब हो गया। अब इसको मुझे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो फूड से स्टार्टिंग करेंगे, फूड वॉज वेयर में से वॉज, फूड वॉज बीइंग, अब कुक का थर्ड फॉर्म हो गया कुक्ड बाय हिम, तो खाना उसके द्वारा बनाया जाता है, ये पेशी वाइस हो गया। इसमें मेरा इंपॉर्टेंस मैंने खाने पे दिया, खाना बनाया जाता है उसके द्वारा, और यहाँ वह खाना बना रहा है, और सॉरी उसके द्वारा खाना बनाया जा रहा है, इसका मीनिंग हुआ उसके द्वारा खाना बनाया जा रहा है। अगर मैं उस ये बाय हिम नहीं लिखूं तो यहाँ से उसके द्वारा हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा खाना बनाया जा रहा है। तो यहाँ मेरा इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट में है ना। अब इसको अपन लिखें तो ये हो जाएगा वह खाना, ये पास्ट की बात है बेटा, यहाँ था आ जाएगा, उसके द्वारा खाना बनाया जा रहा था, वह खाना बना रहा था ऐसा, तो वह खाना बना रहा था ऐसा कुछ है, तो आपको कहना पड़ेगा ही वॉज कुकिंग फूड, खाना बनाया जा रहा था तो खू फूड वॉज बीइंग कुक्ड ऐसे। अब पास्ट परफेक्ट पे आ जाओ, पास्ट परफेक्ट क्या था एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट प्लस, अब पास्ट है तो हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस के केस में स्ट्रक्चर हो गया या फार्मूला हो गया। अब इसी को पैसिव वॉइस में लिखना है, तो ऑब्जेक्ट पहले प्लस हेड प्लस
बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय लिख करके सब्जेक्ट लिख सकते हो, जैसे ही हेड कुक्ड फूड, मान लो इस तरह का सेंटेंस है, कैसे बनाएंगे? ये एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, फूड हैड बीन कुक्ड बाय हिम, ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस में, ये हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस में। ओके, तो अभी हमने पास्ट के तीन देख लिए, फ्यूचर के तीन देख, प्रेजेंट के तीन देख लिए। अब फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इनडेफिनेट, सब्जेक्ट प्लस विल और शल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो बात होगी बेटा एक्टिव वॉइस की। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शल जो है वो तो यूज करना है, प्लस यहाँ बी लगाना है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इस तरह से। जैसे ही विल कुक फूड, वो खाना बनाएगा, ये है। तो ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस, और इसको पैसिव वॉइस में करना है। तो फूड विल बी कुक्ड बाय हिम, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। क्या किया? तो फूड को आगे लाया, ऑब्जेक्ट विल, फिर बी लगाया। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये फार्मूला देखो, बी प्लस जो वर्ब थी, वर्ब मेरा यहाँ कुक है, तो कुक का थर्ड फॉर्म हो गया कुक्ड। ओके, तो फूड विल बी कुक्ड बाय और फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही नहीं लिखना है, वो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, तो फूड विल बी कुक्ड बाय हिम। तो ये हो गया आपका फ्यूचर सिंपल। अब फ्यूचर कंटिन्यूस में पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते हैं, तो हम डायरेक्टली आ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट पे। फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव वॉइस के लिए क्या फॉर्मूला? तो सब्जेक्ट प्लस विल या शल में से कोई एक प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस ड्रॉ बनाना है इसको, ऑब्जेक्ट को पहले ले आए, प्लस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शल यूज किया, प्लस हैव प्लस बीन प्लस इसको लिख लो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे ही विल हैव शोन दिस पिक्चर, इसका मतलब वह यह पिक्चर दिखा चुका होगा, वह यह पिक्चर दिखा चुका होगा। परफेक्ट है ना, मतलब कंप्लीट हो गई प्रोसेस, पर फ्यूचर में तो वह यह पिक्चर दिखा चुका होगा, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया आपका। इसी को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ मेरा सब्जेक्ट तो ही हो गया, तो यहाँ पर ही जो है वो सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये जो दिस पिक्चर है ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो शोन है ये मेरा वर्ब हो गया थर्ड फॉर्म में। अब इसको मुझे पैसिव वॉइस में करना है, तो दिस पिक्चर पहले लिखेंगे अपन बेटा, दिस पिक्चर। अब दिस पिक्चर के साथ में
ये विल लगा दिया, फिर हैव, यहाँ देखो दिस पिक्चर विल हैव, आगे आगे बिन, दिस पिक्चर विल हैव बिन शोन बाय हिम। तो ये हो गया आपका पेसिव वॉइस। ओके, तो हमने अभी सारे जो थे पेसिव वॉइस के फॉर्मूलेज वो देख ली, अब इसको हम एक टेबल में समराइज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यहाँ हम लिख रहे हैं इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले तो ये जो इसको इस तरह से देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट का फॉर्मूला यहाँ लिखूंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यहाँ लिखूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ लिखने वाले हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और हम यहाँ बात कर रहे हैं ओनली पेसिव वॉइस की, ये टेबल जो है वो पेसिव वॉइस के लिए। तो पेसिव वॉइस में हम ये जो चार केसेस हैं ये तो डील ही नहीं करते, मतलब यहाँ तो सेंटेंस बनता ही नहीं है पेसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस के केस में जरूर 12 होते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला क्या था, तो ऑब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट में ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय करके सब्जेक्ट। इस केस में ऑब्जेक्ट प्लस विल या शल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय करके सब्जेक्ट लिख दिया। तो ये तीन ये हो गए। कंटिन्यूअस में ऑब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बेटा यहाँ आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यह हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में ऑब्जेक्ट प्लस विल और शल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये टेबल को मेमोराइज करना है आपको। ओके, अभी आपके लिए एक एक्टिविटी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ही राइट्स अ बुक। तो ये आपका
एक्टिव वॉइस है और प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो फर्स्ट टास्क जो आपको करना है, फर्स्ट टास्क क्या कि एक्टिव वॉइस में ही आपको ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है इसके 12 सारे सेंटेंसेस बनाना है। मतलब एक्टिव वॉइस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर पर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से आपको इस एक सेंटेंस से 12 सेंटेंसेस बनाना है, सभी एक्टिव एक्टिव वॉइस में। सेकेंड टास्क क्या है, अब ये जो यहां 12 सेंटेंस बने हैं इन सभी के आपको पैसिव वॉइस बनाना है। ओके, तो यहां आपको 12 सेंटेंसेस बनाना है जिसमें से एक तो मैंने दे दिया आपको, ही राइट्स अ बुक, इसे 12 एक्टिव वॉइस में ड्रॉ करो। फिर इन 12 में से 8 ऐसे होंगे जिसके हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ओके, तो 4 छोड़ देना है, कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये 4 का आपको एक्टिव से पैसिव नहीं बनाना है। तो ये आपके लिए टास्क रहेगा। ओके, एनी डाउट? वी आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी।